तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली हमारे गेम के अंदर आ चुका है रमदान इवेंट का कैलेंडर और यहाँ पे जितने भी फ्री रिवार्ड मिलने वाले हैं उनके बारे में दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था। साथ ही जो कैलेंडर अभी हमारे गेम पर आया हुआ है वो कैलेंडर मैंने आपको 3-4 दिन पहले वीडियो के अंदर दिखा दिया था। तो यार, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों बात करेंगे रमदान इवेंट के बारे में, साथ ही जो रिवार्ड वहाँ पर मिल रहे हैं वो सारे रिवार्ड का रिव्यू आपको दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो M82B की स्किन दी जा रही है वो आपको कैसे मिलेगी और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या हैं, तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको पता चल जाएंगे। तो यार, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो पहला मिशन है उसका नाम है रैव अप फॉर राया। तो इसका क्या मतलब होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मिशन है वो 6 मई से स्टार्ट होने वाला है। तो अभी कुछ टाइम के बाद जो है गेम में ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको P90 और MP5 के कुछ क्रेड दिए जा रहे हैं। साथ ही आपको मिल रहा है बिल्कुल एक्सक्लूसिव न्यू करेक्टर जैनी। तो जैनी करेक्टर कुछ इस टाइप से है। साथ ही यहाँ पे इसकी जो एबिलिटी है वो आप दे सकते हैं, आपको 80 जो है यहाँ पे टेम्प्रेरी हेल्थ मिलती है। साथ ही आपकी जो ग्लू वॉल और अगर आप यहाँ पे मारते हैं शील्ड में तो आपकी जो 100% इंक्रीज हो जाती है डैमेज, यानी कि अगर आप ग्लू वॉल और शील्ड को तोड़ेंगे तो जो डैमेज है वो दुगना हो जाएगा। साथ ही आपको 80 जो है HP टेम्परेली हेल्थ मिलेगी। तो इसका क्या मतलब होता है मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हुआ था। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे सेकंड मिशन की। तो दोस्तों, सेकंड मिशन के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है एक बैकपैक जो कि ग्रीन कलर का है और कुछ गिटार टाइप का है। तो कुछ इस टाइप का बैकपैक आपको दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो गिटार वाला बैकपैक आपको फ्री में दिया जा रहा है, काफी अच्छा बैकपैक है। इससे पहले भी हमारे गेम के अंदर आ चुका है और आया हुआ था टॉप अप में 300 डायमंड के। तो अभी फ्री में दिया जा रहा है, काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये आपको बैकपैक कैसा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जिस मिशन में यहाँ पे बैकपैक मिल रहा है वहीं पर आपको जो है फीमेल बंडल भी मिलेगा और इसका नाम है प्ले इट फॉरवर्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे पीले और लाल टाइप के जो है टोकन इनको कलेक्ट करना होगा। तो ये जो फीमेल बंडल है मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर दिखाया हुआ था, तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके फटाफट देख लीजिए। तीसरा जो इवेंट है उसका नाम है टोकन कलेक्शन, जो कि दोस्तों 8 मई से स्टार्ट होगा और यहाँ पे आपको कुछ टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे और टोकन के बदले में आपको क्या मिलेगा वो नीचे दिया हुआ है। तो जैसे आप इनको टोकन को कलेक्ट करोगे उसके बाद एक्सचेंज करोगे तो वहाँ पे आपको एक M82B की स्किन साथ ही मिल जाएगा डायमंड रॉयल वाउचर। लेकिन दोस्तों, जो टोकन है वो आप सिर्फ और सिर्फ 13 मई को एक्सचेंज कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो 13 मई को जो है पीक डे है, उस दिन आप एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टोकन है वो आप 8 मई से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज 6 मई है, यानी कि कल और परसों जो है, परसों से आप टोकन कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप आराम से जो है 13 मई को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो M82B की स्किन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस टाइप की जो है M82B की स्किन आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाली। तो दोस्तों, इस M82B का नाम है ड्रैगन मॉब और ये काफी अच्छी स्किन यहाँ पे लग रही है। इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा है। इसका जो एट्रीब्यूट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सिंगल रेंज और सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन और मूवमेंट स्पीड माइनस। तो ये काफी अच्छी बात है, सिंगल आर्मर पेनेट्रेशन से यहाँ पे काफी जल्दी जो है वेस्ट डैमेज हो जाती है। तो सिंगल रेंज और सिंगल आर्मर जो है पेनेट्रेशन इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा और जो मूवमेंट स्पीड होगी वो माइनस रहेगी। तो ये फ्री के हिसाब से काफी बढ़िया स्किन जो है मुझे लग रही है। तो अगला जो दोस्तों मिशन है उसका नाम है राया एक्सटेंड मिशन। तो ये किस टाइप का मिशन होगा इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो जैसे गेम में आएगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके अंदर आपको ये वाला जो सरबोर्ड है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि लेजेंडरी सरबोर्ड नहीं है, इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है, बस नॉर्मल सा है। लेकिन हाँ, इसका जो यहाँ पे लुक है वो काफी ठीक ठाक लग रहा है। तो ये आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इसके अलावा आपको यहाँ पे एक M4A1 के जो है क्रेड भी दिए जाएंगे। तो ये काफी नॉर्मल M4A1 है, काफी अच्छी नहीं है। तो लेकिन जो सरबोर्ड है काफी ठीक ठाक है। तो यार, ये आपको रिवार्ड कैसे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपके इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। तो अभी दोस्तों, यार वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको अगली वीडियो में।